और जी ये राइस जो है वो अपनी मतलूबा सी इधर कबाबों का मसाला तैयार हो गया है। चन्नी को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग्स, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह मुबारक। सुबह के जी 6 बज रहे हैं, 5 बजे मैं उठी थी और यहाँ पे बन रहा है ढेर सारा पुलाव। ये मैं बना रही हूँ जी अपने स्टूडेंट्स के लिए और मैं तकरीबन बना रही हूँ 4 kg राइस। मैंने भिगो दिए थे आधा घंटे पहले और जनाब ये चिकन जो है उसका मसाला बन गया और बस इसके अंदर अब डालने लगी हूँ मैं राइस। थोड़ी देर में मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे बच्चों को पसंद भी आ जाए। गाइस, यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए हैं और जो है बस थोड़ी देर में मैं इनको दम करूँगी। फ्लेम मुझे सही नहीं लग रहा। और जी ये राइस जो है वो अपनी मतलूबा जगह पे पहुंच गए हैं। तो गाइस, अभी है इवनिंग और यहाँ पे बन रहे हैं बहुत क्रंची किस्म के फ्रेंच फ्राइज जिनकी कोटिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, मैदा है मेरे पास यहाँ पे 8 से 10 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लोर जो है वो उससे मैंने हाफ लिया और रेड चिली फ्लेक्स हैं। बस ये 3 चीज़ें मैं डालूँगी इन चिप्स में और फ्राई करूँगी। नमक जो है अभी नहीं डालूँगी, अगर हम नमक डाल दें तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट कर देता है चिप्स को। और पानी भी नहीं डालूंगी, बस जो इसके धोने के बाद हल्का हल्का सा पानी इसमें बचा हुआ है उसी से ही इसको फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ बन रहे हैं कबाब। मैंने चिकन जो है ये गला लिया, ये अलग गलाया था और चने की दाल मेरे पास ऑलरेडी बॉईल पड़ी थी और इसमें प्याज है और इन दोनों चीज़ों को थोड़ी सी ज़्यादा ही फ्रीज हुई है। मैं इसको थोड़ा सा डीप रोस्ट कर लूँ, उसके बाद बनाती हूँ। और जी फ्राइंग हो रही है यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे जो है चिप्स रेडी हो गए हैं और मैं बच्चों को देने जा रही हूँ। गाइस, इधर कबाबों का मसाला तैयार हो गया है। चन्नी की दाल मैंने अलग से बॉईल की हुई थी और मैरिनेटेड चिकन था, हरी मिर्च, प्याज और इसमें एक अंडा डाला है। और इस मिक्सचर को थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद जो है कबाब वाली शेप इसकी रेडी करूँगी। जी तो यहाँ पर बन रहा है देसी घी मलाई से। ये मेरे पास मलाई है जो कि काफ़ी अर्से से मैंने जमा की हुई थी, 15 से 20 दिन से, और अब बनाना स्टार्ट करेंगे इसका देसी घी। तो मैं आज जो बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। कुछ लोग खट्टा वगैरह लगा के बनाते हैं, ग्राइंड करते हैं, मक्खन बनाते हैं और उसके बाद बनाते हैं, बट मैं जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊँगी। इस मलाई को मैंने फेंटना, जैसे हम दही को फेंटते हैं इस तरीके से हमने इसको ऐसे फेंटना है, हमने इसको क्रीमी शक्ल देनी है जैसे हम आटा गूंथते हैं। इसको हमने एक स्मूथ सी शक्ल देनी है। यह प्रोसेस आपने इस पे करना है 5 मिनट तक। आपने ख्याल करना है कि इसमें ना जो कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। ये शायद आपको लग रहा हो कि मलाई नहीं है या कोई आटा वगैरह है या मैदा है, नहीं, ये वाकई मलाई है जो कि मैंने इन डब्बों से अभी भी खाली की है। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इस प्रोसेस को करूंगी। देसी घी जो होता है आप देख लें कि कितना फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, उनके नरिशमेंट के लिए, अफजाइश के लिए। और फिर दूसरी बात ये कि जी आजकल कितना ऑयल
वगैरह महंगा हुआ है, तो बेहतर है कि हम लोग मलाई वगैरह तो नॉर्मली नहीं खाते, तो हम लोग घर पर ही देसी घी तैयार करें, उसमें खाना तैयार करें। हेल्दी भी होगा, इकोनॉमिकल भी होगा और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और घर पे बनी हुई चीज़ की क्या बात। तो ये है, मैं अपने बच्चों के लिए इसमें चूरी भी बनाती हूँ और देसी घी के पराठे भी बनते हैं, और जो सिंपल रोटी बेसन वगैरह की या मसाला रोटी के ऊपर भी लगा के जो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद है बच्चों को। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, नो डाउट, बट चीज़ बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है जो घर की बनी हुई चीज़ होती है। अब जी है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आपने इसको इस तरह करना है। जैसे हम किसी चीज को फेंटते हैं, बिल्कुल जी एक क्रीमी टेक्सचर इसका आना चाहिए, बिल्कुल जैसे क्रीम होती है। तो गाइज यहाँ पर जो है ये एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका तैयार हो गया है, और अब हम इसके चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो गाइज आप देख चे के अंदर वो सारा मटेरियल आ गया है, और आप देखें जी देसी घी भी आना स्टार्ट हो गया। तो इसको हम पकाते जाएंगे। ये है कि आपने चम्मच नहीं छोड़ना, चम्मच हिलाते रहना इस सारे प्रोसेस के दरमियान, क्योंकि अगर ये नीचे से लग गया तो सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं सूरत हाल इसकी कि ये एक बिल्कुल स्मूथ किस्म का जो होता है ना लिक्विड, वो बन गया। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं है। ये थोड़ा सा आपको येलो नजर आएगा क्योंकि ये गाय का दूध की मलाई थी। गाइस रात का डिनर रेडी हो रहा है, और इधर बन गए जी सैंडविचेस मज़ेदार किस्म के। ये है जी फाइनल लुक मेरे कबाबों की। थोड़ा सा मैसी हुआ है प्लेट का हाल, लेकिन जो है कबाब वो बहुत मज़े के बने हैं। और जी मैं आपको दिखाती हूँ देसी घी की सूरत हाल। ये देखें जी दाना बनना स्टार्ट हो गया है इसके अंदर। चमचा मैं मुसलसल चला रही हूँ, थोड़ी ही देर में इसमें से देसी घी जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं कि घी आना स्टार्ट हो गया। मौके पे चम्मच को चलाते रहना है, चलाते रहना है, और ये घी बनता जाएगा। गाइस घी जो है वो मजीद बढ़ गया, लेकिन अभी भी इसमें से और घी निकलेगा जब तक ये अच्छी तरह से ये वाला जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। गाइस ये आ गई है इसकी फाइनल शक्ल। ये देखें जी ये ब्राउन ब्राउन तो हो गया, खोए जैसी शक्ल का। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, चम्मच मैं चलाती रहूँगी, क्योंकि अगर मैंने चम्मच अभी रोक दिया तो ये अभी भी नीचे लग जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह का ब्राउन खोया टाइप बन जाता है। बस अब इस घी को जो है वो मैंने ठंडा होने देना है, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, और उसके बाद मैं स्ट्रेन कर लूँगी इसको, छलनी में छान लूँगी। तो गाइज ये जा रहा है इसमें से घी। तो गाइज ये हो गया हमारा देसी घी तैयार, जबरदस्त किस्म का। और जी ये बच गया है इसकी मैं खोया, जिससे मैं कल सिवैया बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी।
और ये जी है देगचा जिसका हो गया बुरा हाल, थोड़ा सा हो जाता है, इसको सारी रात जो है भिगोएंगे और कल वॉश करेंगे। तो ये देसी घी बनाया है, बहुत मज़े का, बड़ा ही हेल्दी, बिल्कुल खालिस देसी घी घर का, ये गाय का है इसलिए येलो है। तो जनाब ये बच्चे जो हैं वो खाएंगे, मज़े से इंजॉय करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल फैमिली व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल या परसों। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।